मेरे नूरे रत्न, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों को अपनी बचपन की सहेली सहपाठी सीता सिंह का एक आर्टिकल सुनाने जा रही हूँ। इन्होंने हमारे पास उत्तम हास्य व्यंग भेजा है। ये लिखती है, ट्रेन में मेल एक्सप्रेस ही होती है, फीमेल एक्सप्रेस क्यों नहीं चलाई जाती। उसी पर इन्होंने बड़ा अच्छा हास्य व्यंग लिखा है। कहती है, एक औरत गुस्साती हुई स्टेशन मास्टर के पास आई, 21वीं सदी की रागनी सुनाई, महिलाओं के लिए 30% का सिद्धांत क्यों नहीं अपना रहे हो, वर्षों से मेल एक्सप्रेस चला रहे हो, फीमेल एक्सप्रेस को क्यों नहीं ला रहे हो। स्टेशन मास्टर घबराया, मुश्किल से जवाब दे पाया, मैडम मैडम मैडम, मेल एक्सप्रेस ही मेकअप करते करते लेट हो जाती है, फीमेल एक्सप्रेस तो मेकअप करती ही रह जाएगी, सवारी को कब पहुंचाएगी। और आज की रेल व्यवस्था में जहां लोग मेल एक्सप्रेस को रोक रोक कर छेड़खानी करते हैं, फीमेल एक्सप्रेस के साथ तो न जाने क्या हो सकता है। इल्ज़ाम में ड्राइवर भी फंस सकता है, उसकी नौकरी जा सकती है, ड्राइवर की पत्नी गुस्सा सकती है। और फिर मैडम अपना आंचल संभालिए और दूसरा पहलू देखिए, फीमेल एक्सप्रेस चैन से न चल पाएगी, बगल की लाइन के मेल एक्सप्रेस उसे देख करके सीटी बजाएंगे, उनकी हेडलाइट बंद हो जाएगी, ठौर पर वो रोते हुए ही पहुंच पाएंगे, वहां पर भी सिर्फ मी टू की फरियाद सुनाएंगे। और भी परेशानियां हैं फीमेल एक्सप्रेस ड्राइवर के साथ, भाग सकती है, सिग्नल मैन का कहा टाल सकती है, रेल एम्प्लॉय का करेक्टर भी बिगाड़ सकती है, इमोशनल होकर के पटरी को भी उखाड़ सकती है, जबकि मेल एक्सप्रेस सिर्फ मोशन में रहती है, इमोशन में नहीं आती, देर से ही सही पर ठौर पर पहुंचाती है। आगे कहती हैं कि भाई ये तो हंसने हंसाने के लिए था, तो आप लोग अपनी ऊर्जा खुश रहने में खर्च कीजिए, सिर्फ क्योंकि खुशी से ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। आगे कहती है कि ऑल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप डू नॉट डिपेंड ऑन हाउ वेल वी अंडरस्टैंड समवन, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल वी मैनेज द मिसअंडरस्टैंडिंग। अर्थात खूबसूरत जिंदगी का राज दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, हे प्रभु सबका कल्याण हो, ये मन में भावनाएं रखिए। तो सीता सिंह का ये आर्टिकल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सब लोग भाई टाटा बाय बाय।